मध्य प्रदेश मानसून अपडेट, 22 सितंबर से फिर तेज बारिश का दौर, अभी 7 जिले रेड जोन में। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद फिलहाल मौसम साफ है। भोपाल और दूसरे जिलों में धूप खिली है, बीच बीच में बादल आ जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 3 दिन 19 से 21 सितंबर तक धूप छांव वाला मौसम रहने का अनुमान जताया है। आज सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 22 सितंबर से फिर बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, यह प्रदेश भर में बारिश कराएगा। 22 से 23 सितंबर के बीच भोपाल, ग्वालियर, चंबल, रीवा, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। केजरीवाल बोले, MP से कांग्रेस BJP को उखाड़ फेंको, कहा इंडिया से BJP बौखलाई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी के गठबंधन इंडिया के सदस्य कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, दोनों में अच्छी सेटिंग थी, एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करें, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस आ गई तो बिंदी चूड़ी पहनना भी मुश्किल कर देगी। भजन, रामायण पाठ, गीता पाठ, गणेश उत्सव नहीं होंगे। कांग्रेस और उसके गठबंधन ने सनातन धर्म का अपमान किया है, उठाकर फेंक दो कांग्रेस को। हमारे धर्म का अपमान करने वाली पार्टी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस जाति जनगणना वाले दांव के पीछे OBC वोटर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस की OBC वोटर पर नजर है, क्योंकि OBC को भाजपा की ताकत माना जाता है। दैनिक भास्कर ने इस पर जानकारों की बात की और पिछले चुनावों के ट्रेंड का विश्लेषण किया तो सामने आया कि कांग्रेस का यह दांव विधानसभा चुनाव में फायदा पहुंचाएगा। हमीदिया के बाद अब एम्स में भी होगी किडनी ट्रांसप्लांट, अक्टूबर से मिलेगी सुविधा। यहां किडनी ट्रांसप्लांट के साथ क्रॉनिक एम्बुलेटरी पेरिटोनल डायलिसिस, CAPD, प्लाज्मा फेरेसिस और ICU डायलिसिस की सुविधा भी शुरू होगी। इसके लिए उपकरणों की खरीदी और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूक्रेन ने 965 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन के 3 स्थानों पर हमला किया। अजो सागर की ओर से इस दिशा में हमला हुआ और अगर ये सफल रहा तो इससे रूसी शहर रोस्तोव आन दोन से क्रीमिया तक की सप्लाई लाइन बिल्कुल कट जाएगी। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र, हंगामे के पूरे आसार। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जो सोमवार से शुरू हो रहा है। राज्यसभा की ओर से 13 सितंबर को जारी संसदीय बुलेटिन में बताया गया कि विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार 4 बिल लेगी। महिला आरक्षण बिल क्या है और अब क्या क्या होगा? सोमवार शाम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। यह बिल पिछले 27 साल से लटका हुआ है। महिला आरक्षण बिल सोमवार को लोकसभा में ही चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन में अपने अंतिम भाषण में कहा कि दोनों सदनों में अब तक 7500 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने काम किया है, जबकि महिला प्रतिनिधियों की संख्या करीब 600 रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के योगदान ने सदन की गरिमा बढ़ाने में मदद की है। भारत के दुश्मनों को शरण दे रखी है। खालिस्तानी आतंकी पर कनाडा के PM ट्रूडो का बयान इंडिया ने किया खारिज। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बताया था। ट्रूडो के इस बयान को भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस आरोप का जवाब देते हुए कहा कि कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप बेतुके और प्रेरित हैं। भारत की ओर से कहा गया कि इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कनाडा में आश्रय दिया गया है और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मामले पर कनाडाई सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से और निरंतर चिंता का विषय रही है। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।